स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में हम बात करेंगे सोलर पावर फ्रॉम स्पेस। तो आइए जानते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी आने से पहले आपको ये समझ आए, इसका वेपनाइज होना मतलब इसको हथियार में बदल देने का चांस बहुत ज़्यादा होने के चलते यही इसका सबसे बड़ा हर्डल है जो सबसे पहले सॉल्व करना होगा। मतलब लोगों को भरोसा करना होगा किसी और पे कि वो उतना एनर्जी एक छोटे पॉइंट पे डाल रहा है स्पेस से कलेक्ट करके और वो शहर को जलाने का कोशिश ना करे। तो और ये इसका प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये सोलर टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारे साथ है। मतलब हमारे पास न्यूक्लियर मटेरियल मिला, न्यूक्लियर साइंस आया, तो हम लोग उससे न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं ना कि न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहे हैं। मतलब आपको अगर रिएक्टर भी बना लेकिन सबसे ज़्यादा तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स में ही खर्च किए ना। तो मतलब ये हमारा इनहेरेंट मतलब हमारे अंदरूनी प्रॉब्लम है। तो ये टेक्नोलॉजी तभी आएगी जब ये सब पहले सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले मैं इसको बाहर निकाल देना चाहता हूँ। दूसरा, अगर आप पूरी पृथ्वी का बिजली का बिल बिजली का जुगाड़ करना चाहते हैं तो ये धरती से नहीं किया जा सकता। इसको करने के लिए आपको चांद पे जाना पड़ेगा। अगर आप धरती से करेंगे, आप छोटे स्केल का मतलब एक डेमोन्स्ट्रेशन जिसको कहा जाता है, जिसे डेमो बना सकते हैं, आप एक छोटा सा दिखा सकते हैं कि ऐसे ऐसे करके करूँगा, इससे आप सिस्टम को रिफाइन कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम होगा, ऐसे ऐसे ठीक करेंगे, तो उसके लिए आप अर्थ से कर सकते हैं। और आप सैटेलाइट को, जो आपका पावर कलेक्टिंग सैटेलाइट है, उसको आप जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पर डालेंगे जो कि धरती से बहुत दूर है। मतलब धरती के सर्फेस से 30,000 किलोमीटर के आसपास दूर है, मतलब उससे भी थोड़ा दूरी है। लेकिन उसका फायदा ये होता है कि जब वो घूम रहा है तो उसका घूमने का स्पीड और अर्थ के घूमने का स्पिन पर जो अर्थ स्पिन कर रहा है उसका स्पीड मैच कर जाता है। तो मतलब आप अर्थ पे कुछ रख दीजिएगा फ्लैट, सैटेलाइट पे कुछ उसको एक बार कर दीजिएगा, वो उसको आपको चेंज नहीं करना, वो हमेशा एक ही तरफ देखता रहेगा। तो ये बहुत बढ़िया बेनिफिट है। लेकिन साइड इफेक्ट ये है कि ये पृथ्वी के छांव में घुस जाता है। तो मतलब ऐसा चल रहा है, बहुत बढ़िया, रात हो गया, यहाँ पृथ्वी पे रात हो चुका है लेकिन अभी भी सैटेलाइट पे धूप आ रहा है, तो आपको पावर आ रहा है। लेकिन एक घंटे के लिए वो शैडो पे चला जाएगा, सिर्फ एक घंटा, मतलब 24 घंटे में सिर्फ एक घंटे की पावर कट। लेकिन मानिए अगर आप पूरा देश चला रहे हो तो एक घंटे के लिए बिजली स्टोर करना पड़ेगा, जो जिसके लिए मेरा वीडियो देख सकते हैं ग्रिड पावर स्टोरेज के बारे में। तो आप समझ सकते हैं काफी नुकसानदेह होगा। मतलब तो पूरा अगर पृथ्वी का आप कर रहे हैं तो वो एक घंटा का जो कट जा रहा है पावर, वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो बेस्ट सिस्टम हमारे लिए है कि चांद पे जाएं, चांद पे माइनिंग करें, मतलब वहीं से मटेरियल खोद के निकालें, वहीं से लॉन्च करें, क्योंकि चांद की ग्रेविटी इतनी कम है कि वहां से माइनिंग करना भी आसान है, क्योंकि वहाँ सोलर पावर है, बिना वेदर रिसर्व के बहुत आराम से पावर भी मिल जा रहा है और उससे लॉन्च करने का भी बहुत कम खर्चा आएगा। मतलब ऊर्जा वाइज, मतलब आपको कई मेगावाट नहीं चाहिए, आप तो मतलब उसको एक सीधे गन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन से भी फायर कर सकते, पहुंच जाएगा और वो सस्ता होगा। मतलब अगर आप मान लीजिए 100 टन आपको भेजना है, 100 टन चांद से भेजने में कम ताकत लगेगा वर्सेस 100 टन आपको अर्थ से भेजने में। तो मून जब सबसे ज़रूरी चीज़ है, और ठीक है चलिए आप ये मून वाला काम कर लिए, आप लगाओगे कहाँ सैटेलाइट? मैंने तो बताया जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में तो प्रॉब्लम है। लगाने का सबसे बढ़िया जगह है लग्रांज पॉइंट 5 और लग्रांज पॉइंट 4। ये दो पॉइंट ऐसा जगह पे है जहाँ पे अगर आप कुछ रख दिए वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, बेसिकली वो उस ऑर्बिट पे फंस जाएगा। मतलब आगे जाएगा अपने आप पीछे आ जाएगा, पीछे जाएगा अपने आप आगे आ जाएगा, दाएं जाएगा बाएं हो जाएगा। मतलब ये एक पेंडुलम टाइप सिचुएशन में पड़ जाता है जहां वो ग्रेविटेशनली इतना स्टेबल है कि उसको वहां से हटाने के लिए, आप मान लीजिए कुछ वहां भेज दिए, वहां से हटाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो सबसे स्टेबल है, प्लस वो कभी भी शैडो पे नहीं जाता, मतलब किसी भी और चीज़ का शैडो उस पे नहीं आएगा, अर्थ का शैडो नहीं आएगा, मून का भी शैडो उस पे नहीं आएगा। तो वो पावर 24x7x365 अंटिल इट्स डिकमिशन, तब तक वो बहुत आराम से ऊर्जा दे सकता है। तो उसके बाद आप ये समझिएगा कि सोलर पैनल हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप बोलोगे भाई सोलर कर रहे हैं तो सोलर क्यों नहीं कर सकते? सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारा सन जो है वो एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर हर चीज़ देता है, हर चीज़ में वो पावर देता है। तो सोलर पैनल जो है हमारा वो सिर्फ विजुअल स्पेक्ट्रम और थोड़ा सा इंफ्रारेड, थोड़ा सा अल्ट्रावायलेट यूज़ कर पाता है। इतना बड़ा स्पेक्ट्रम में वो लगभग 90% को वेस्ट कर दे रहा है, 90 नहीं मतलब आप समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा वेस्ट ही कर दे रहा है। हमारा स्टार बहुत ब्राइट नहीं है एक्सरे और गामा रे में, लेकिन वो बहुत ब्राइट है इंफ्रारेड में। मतलब अगर आप स्पेक्ट्रम में देखिएगा तो इंफ्रारेड को इग्नोर कर देना एक बेवकूफ़ी है। आप स्पेस में चले गए, आप स्पेस से बिजली निकालना चाह रहे हो तो ये सब वेस्ट करना क्यों चाहोगे? दूसरा, अगर पर वाट का हिसाब लगाइएगा तो सोलर पैनल बहुत महंगा है। तो धरती पे ऐसा क्यों हो रहा है कि सोलर पैनल जो सस्ता होने लगा, जो कि मैंने यहाँ वीडियो बनाया है, वो इसलिए है कि धरती में सोलर पैनल का आप कंपेयर करते हो किसी कोल पावर प्लांट से, तो कोल पावर प्लांट में जो टर्बाइन है जो 100 मेगावाट का बिजली बना रहा है वो सस्ता चीज़ है, मेन जो उस पर कोयला जो उसको पर घंटे डालना पड़ रहा है वो महंगा है। तो इसलिए समझिए, अगर आपको पर गीगावाट में आपको भी बोला कि मेरे को 10,000 गीगावाट का चाहिए या 10 टेरावाट का चाहिए, तो उस स्केल पे सोलर पैनल
बहुत महंगा हो जाएगा, सोचना ही नहीं है, और कॉम्प्लेक्स भी है, ऐसा भी चीज़ नहीं है कि आप सिंपल चीज़ से बना सकते हो, बहुत कॉम्प्लेक्स है, और प्लस वो वेस्ट कर देगा। तो ये सब मिलाने के बाद, और अगर आप कहीं पे ऐसा डिज़ाइन देखेंगे जहाँ पे लोग दिखाते हैं कि बहुत सारे कांच है, मिरर है, मिरर उसको लाइट को एक छोटे जगह पे डाल रहा है, तो उस जगह पे इंटेंसिटी इतनी हो जाएगी सेल को कूल रखना पड़ेगा, मतलब उसको ठंडा रखने के लिए पानी घुमाना पड़ेगा, तो एक एक्स्ट्रा झंझट आ गया। ये अभी सोलर पार्कर प्रोब जो नासा बनाया है सन के पास भेजने के लिए, उसमें भी सोलर पैनल, तो उसमें सोलर पैनल में पानी चला चला घुमा घुमा के उसको ठंडा रखा जा रहा है, नहीं अगर वैसा करेंगे तो वो पैनल पिघल जाएगा। तो ऐसा कारण से सोलर सेल यूज़ करना अच्छा आइडिया नहीं है। तो हम लोग कुछ इस तरह का करेंगे, सोलर थर्मल जिसको कहा जाता है, मतलब सौर्य की गर्मी, मतलब ऊर्जा को एक जगह पर डाल के गर्मी बनाएंगे। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यूज़ कर पाएंगे। ये एक वीडियो मैंने आप लिंक में डाला, लेकिन वो इंग्लिश में है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि आइडिया ये है कि क्योंकि कांच बनाना बहुत सस्ता है, और कांच में वो कांच नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब जो सिलिकॉन का कांच होता है या जो भी आप कांच बना रहे हैं और उसके पीछे जो पेंट लगा रहे हैं, वो मैं बस वो पेंट की बात कर रहा हूँ। कांच बना के आप बस एक फ्रेम बनाइए, उसमें एल्युमिनियम फॉइल भी चिपका दीजिए, वह काम हो गया, आपको उसमें चेहरा नहीं देखना है, वो बस उसी से काम हो जाएगा। तो वैसा खूब बड़ा बनाना बहुत सस्ता पड़ेगा, आप बना लिए ठीक है, अब उसकी ऊर्जा को आप एक जगह पर फोकस कर रहे हो ठीक है, आपने दो बड़ा सा बनाया जिसको लग्रांज पॉइंट पर रखा, आराम से फोकस कर रहे हैं, अब उस फोकस खूब गर्मी आ गई ये वाला, अब वहाँ पे आप स्टर्लिंग इंजन लगाएंगे या टर्बाइन लगाएंगे जो भी आपकी सुभा मतलब करता है, और उसको हाइड्रोजन से आप चलाएंगे जो कि स्टर्लिंग इंजन पर चलेगा, तो उससे ये होगा कि पर गीगावाट दाम बहुत कम आएगा, और प्लस एसी पावर निकलेगी, वो भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद है ठीक है। आपने बना लिया, बिजली निकालने का भी तरीका देख लिया, तो बिजली आपके पास कैसे आएगा, मतलब ठीक है वो तो स्पेस में, आपके पास कैसे आएगा, तो उसे माइक्रोवेव से भेजना पड़ेगा। माइक्रोवेव से क्यों? पहला, माइक्रोवेव दिखता नहीं है, मतलब आप बोलोगे ठीक है हम इंफ्रारेड लेजर से किए, लेज़र के साथ ये प्रॉब्लम है ब्लूमिंग, ब्लूमिंग का मतलब ये था कि अगर आप बीम कोई भेज रहे हैं, वो बीम एटमॉस्फेयर उससे बहुत एनर्जी निकाल डालता है, तो जैसे 100 मेगावाट आप इधर से भेजे, इधर से इधर आने में वो 50 मेगावाट हो जाएगा, सिर्फ एटमॉस्फेयर ही इसका खा जाएगा, तो इसलिए, और प्लस इंफ्रारेड बीम मान लीजिए आप दे रहे हैं स्पेस से, इंफ्रारेड बीम से कोई प्लेन गलती से घुस गया स्वाहा हो जाएगा, तो इंफ्रारेड नहीं यूज़ कर सकते, और ऑप्टिकल तो आप एकदम नहीं यूज़ करना चाहोगे, सीधा सीधा दिखता रहेगा रात को भी, हाँ ये तो लाइट आ रहा है मतलब, और कई मेगावाट का लेज़र है तो बहुत दूर से दिख जाएगा कि वो कितना पावरफुल है। तो पहला तो वही है कि ये इनविजिबल है, दूसरा एटमॉस्फेयर से इसको कोई लेना देना नहीं है, माइक्रोवेव को कोई लेना देना नहीं है, बारिश हो रहा है कोई टेंशन नहीं है, बादल है कोई टेंशन नहीं है, इसको कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए आपका मोबाइल बंद नहीं हो जाता जब बारिश हो रहा है। तो दूसरा सेफ है, सेफ का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आप बहुत कॉन्सेंट्रेट कर दिया लेकिन आप उससे प्लेन घुस गया, मान लीजिए कुछ प्लेन का एरर हो गया ऑटो पायलट में या पायलट घुस गया, वो सेफ है क्योंकि प्लेन इनहेरेंटली मतलब अंदर से एक फेरिटिक केज की तरह बिहेव करता है, वो केज के चलते ऊर्जा उसमें एक तरफ घुसेगी दूसरी तरफ से निकल जाएगी, उसको कुछ नहीं होने वाला, तो वो बहुत बढ़िया है। दूसरा, हम इसको बड़ा फैला सकते हैं, मतलब बीम बनाने की जगह पे हम इसको फैला सकते हैं कि भैया हेक्टेयर में फैल जाओ, तो उससे आप जितना फैलाते जाएंगे कोई भी चीज़ को कम होता जाएगा, तो पावर हम लोग इतना कम कर सकते हैं कि 100 वाट लगभग पर मीटर दे सकते हैं, तो 100 वाट इतना कम होता है कि इंसान उसमें आराम से रह सकते हैं। मतलब मान लीजिए बीम आ रहा है मेरे शहर पर ही सीधे बीम डाल, मेरे शहर का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, 100 वाट पर मीटर मतलब जो है ये सेफ है इंसान के लिए, और यही मतलब लगभग ये टारगेट हम लोग रेडियो टावर पर करते हैं, मोबाइल टावर पर करते हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं कि इसके बारे में कुछ जानते नहीं है, पता नहीं है, पता है हम लोग को। तो पहला तो वो हो गया कि ठीक है इनविजिबल है, सेफली आ जा रहा है, और फेरिडे केज है जिसको आप फेरिडे केज से आपका प्लेन का सेफ्टी हो गया, दूसरा ये हो गया कि स्प्रेड आउट कर देने से मतलब आप उसको फैला दे रहे हो तो नुकसान नहीं हो रहा है, जल नहीं जा रहा, आग नहीं लग जा रहा है उससे, तो ठीक है वो सब तो ठीक है, लेकिन सबसे खास रीज़न ये है कि उसको माइक्रोवेव में बदलने में आपने जो ऊर्जा निकाला, जो आपकी एसी बिजली बनी, उस ऊर्जा को माइक्रोवेव में बनाना बहुत आसान है। अब उस माइक्रोवेव को वापस, माइक्रोवेव से स्पेस से आ गया आपके पास, ठीक है बहुत बढ़िया, वहाँ से वापस उसको बिजली में बदलने में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, डिश का, रेडियो डिश का। इसकी इफ़िशेंसी बहुत अच्छी है, मतलब कोई भी और सिस्टम में 50% इफ़िशेंट भी नहीं आता, मतलब एंड टू एंड ये 50% एक्सीड कर जाता है, तो मतलब सोचना ही नहीं, बाकी कुछ के बारे में तो सोचना ही नहीं, तो आपको उधर कई हज़ार गीगावाट भेजना पड़ेगा तब जाके यहाँ कुछ 100 गीगावाट आएंगे, और उससे प्रॉब्लम ये है कि वो ऊर्जा तभी भी धरती में घुस रही है, आप ज़बरदस्ती का हीट उतना ऐड कर रहे हो बेमतलब का, तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट है। दूसरा रिसीवर जो बोलोगे एंटीना है, वो तो कई करोड़ का हो जाएगा, नहीं जरूरी नहीं, वो तो ऐसा चिकन वायर से भी बनाया जा सकता है, और हम लोग ट्यून कर सकते हैं कि मतलब ये तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डिपेंड करता है कि उसका छेद कितना बड़ा या बड़ा छोटा या बड़ा हो सकता है, तो बहुत आराम से मतलब पूरे जंगल को आप कवर कर सकते हैं, जंगल में पेड़ भी उग रहे हैं, आपको दिखेगा भी नहीं दूर से, हाँ पास जाइएगा अरे बहुत तार तार सब गया हुआ है, और बिजली आराम से उससे निकाली जा सकती है बिना दिक्कत के। तो माइक्रोवेव के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास बिजली ट्रांसफ़र करने के लिए।
तो इसके बाद आते हैं फिर आप लोगों को कुछ समस्या है होगा इसके बारे में, कहेंगे कि भैया स्पेस में जो ऊर्जा निकल जा रही है, मतलब सन जो है अपना, सूर्य जो है वो हर तरफ ऊर्जा डालता है, लेकिन बहुत सारा ऊर्जा 1% भी हमारे तरफ नहीं आ रहा ना, वो तो मतलब हर तरफ तीनों 360 डिग्री में वो भेज रहा है, हम लोग के पास तो थोड़ा सा आ रहा है। आप बोल रहे हो कि हम उधर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके इधर अपने पास डाल दें तो आप धरती को गर्म नहीं कर दोगे? नहीं, क्यों? क्योंकि सूर्य का जो प्रोजेक्शन है अर्थ पे, अर्थ पे कितनी वो ऊर्जा डालता है, वो ऊर्जा है 174 पेटावाट, और पेटावाट में कई जीरो होते हैं तो उसके बारे में मैं बोलूँगा भी नहीं। और हम लोग को वर्स्ट केस सिनेरियो, मतलब एकदम फ्यूचर में बहुत बिजली खा रहे हैं तब भी सिर्फ 100 टेरावाट ही चाहिए होगा, तो कई जीरो का अंतर है, तो मतलब परसेंट में भी नहीं आते, 1% का भी नहीं है, तो सोचना ही नहीं उसके बारे में। दूसरा, हमारा पृथ्वी गर्म इसलिए नहीं हो रहा कि हम लोग ऊर्जा खा रहे हैं, गर्म इसलिए हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड है। ऊर्जा आप खाइए किसी प्लैनेट में, कोई टेंशन नहीं, ऊर्जा एंड में इंफ्रारेड में बदल ही जाती है, मतलब जिसको हम लोग वेस्ट हीट कहते हैं। आप कुछ भी कीजिए, हर चीज़ वेस्ट हीट देती है, वो इंफ्रारेड में देती है। अब इंफ्रारेड आराम से स्पेस में जा सकता है, लेकिन चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है बढ़ते जा रहा है वो वापस आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसको रिफ्लेक्ट करता है। हाँ, अगर आप सारा कार्बन डाइऑक्साइड हटा देंगे तो बर्फ जम जाएगा, क्योंकि एक थोड़ा सा भी नहीं लौटेगा, तो रात को बर्फ ही जम जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम लोग थोड़ा जरूरत से ज़्यादा कर दिया, तो वो गर्मी जो मान लीजिए 90% निकल जा रहा था, वो अभी अराउंड 80% ही निकल पा रहा है, कुछ दिन में 40-50 ऐसे ढिपते जा रहा है। तो हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड आज नहीं तो कल एटमॉस्फेयर से वापस हटाना पड़ेगा, जो हम लोग भावना में बह के डाल दिए। तो हटाने के लिए उसको हम लोग ये यूज़ करेंगे, CO2 स्क्रबर। तो आप कहोगे कि अगर ये इतना आसान है तो अभी कोई क्यों नहीं करता, पहला कौन इसके लिए खर्च करेगा, दूसरा इसको चलाने में जो ऊर्जा लगेगी उसको, उस ऊर्जा को पाने के लिए ही हम लोग ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डाल देंगे। मतलब जो ये मान लीजिए 100 किलो निकालेगा, इसको चलाने के लिए आप 100 किलो से ज़्यादा एटमॉस्फेयर में डाल देंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए अगर ऊर्जा बाहर से आ रही है तब आराम से CO2 हम लोग वापस निकाल सकते हैं एटमॉस्फेयर से, और अपना पृथ्वी को हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सोलर सैटेलाइट के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दो, नहीं है कोई बात नहीं, डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट लिखिए कि आप क्या देखना चाहेंगे अगले एपिसोड ऑफ फ्यूचर फ्राइडे में, और घंटी बजाइए, मैं वीडियो हर दिन बनाता हूँ। आपने मेरा वीडियो देखा ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।